छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से पाए छुटकारा, ले आयुर्वेद का सहारा। असाध्य से असहाय बीमारी का इलाज केवल एक रिनॉट्स नोवा, जो कि सुगर, कैंसर, पाइल्स, बीपी बीमारियों के ठीक करने का दावा करती है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9329202423। भिलाई के श्री राम जन्म उत्सव समिति ने देश प्रेम दिखाते हुए भिलाई स्टील प्लांट बोरिया गेट स्थित चीन मार्केट का नाम बदलकर भारत बाजार किया गया। श्री राम जन्म उत्सव समिति के प्रदेश महामंत्री बुद्धन ठाकुर, युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे, मंडल अध्यक्ष रविंद्र राहुल, प्रदेश कोर कमेटी के प्रशांत पांडे, युवा मोर्चा अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, जिला महामंत्री युवा मोर्चा रिंकू साहू एवं समस्त राम जन्मोत्सव समिति के पदाधिकारी मौजूद थे। आज विश्व के अंदर जिस तरीके से कहीं ना कहीं अमेरिका भी कह रहा है और दूसरे देश भी कह रहा है, चाइना एक बहुत बड़ी वजह COVID-19 के लिए भी, विश्व की सबसे बड़ी महामारी के लिए भी, और साथ ही साथ जो चाइना निरंतर भारत के विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है, चाहे आंतरिक रूप से या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, एक ऐसा मौका आया था UN में जब हाफिज सईद को आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषणा करने की जब बात की थी, पूरा विश्व एक था, पर उस समय चाइना ने वीटो पावर लगाकर भारत के विरुद्ध में उस UN की संसद में चीज को वो किया था। निरंतर चाहे डोकलाम का मामला हो और अभी भी जो लद्दाख में जो चल रहा है, तो इन सब से एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि चाइना कहीं ना कहीं भारत की जो 6 साल में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारत बढ़ा है, और हम सब जब ये बात मानने को बात जब हम बार बार ये बड़े पटल पर कहते हैं कि आने वाले समय में कि विश्व में एशिया की सदी हो, एशिया की सदी इसलिए क्योंकि जो मैन पावर एशिया में है, जो स्किल एशिया में है, वो शायद दूसरे देशों में नहीं है। तो अगर एशिया की सदी होगी तो निश्चित तौर पर भारत या चाइना, यही दो सुपर पावर बन सकते हैं आने वाले दशकों में। तो चाइना को कहीं ना कहीं इस चीज़ की बौखलाहट है कि अमेरिका भी भारत के साथ है, रशिया भी भारत के साथ है, और इजराइल और बाकी देश भी भारत के साथ है। तो आज जिस तरीके की हरकत वो बॉर्डर पे कर रहे हैं और पाकिस्तान को भी जिस तरीके का सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जो चाइना के बाद सबसे जो बड़ा बाज़ार है वो भारत का है, और भारतीय बाज़ार ही चाइना के बाज़ार को चला रहा है मुख्य तौर पर अगर देखा जाए, और चाहे ऐप्स हो गए, टिकटॉक हो गया, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, चाहे कोई भी चीज़। तो ये जो विरोध था इसी चीज़ का था कि हम एक छोटा प्रयास करें, अपने घर से प्रयास करें, अपने शहर से प्रयास करें कि चाइना के बाज़ार को हमको हटाना है, और चाइना को ये एहसास कराना है कि भारतीय लोग भी अपने देश के प्रति सजग हैं, और अगर कोई भारत के तरफ आँख उठा के देखेगा तो हम भी उनको आर्थिक रूप से और चाहे डिप्लोमेटिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी स्तर पर हम उनको हराने में सक्षम हैं, और आने वाली सदी भारत की हो इसको सुनिश्चित करने का काम हम सब भारतीय का है। इसलिए भिलाई में भी कई दशकों से भिलाई स्टील प्लांट के सामने चाइना बाज़ार मार्केट के रूप में वो जाना जाता था, हम बचपन से सुनते आ रहे थे। तो हम सब की समिति के लोगों ने ये किया कि भी ये जब इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन चाइना कर रहा है तो निश्चित तौर पर हम भिलाई से इसकी शुरुआत करते हैं और उस चीनी बाज़ार को भारत बाज़ार के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने काम किया।